हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार आप सभी के अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आशा करूंगी कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और अर्पित अच्छा है? अर्पित भी अच्छा है। यूँ शुरू करने से पहले ही मैं आज एक बात बताना चाहती हूं आप लोगों से कि आज हमारे फैमिली में किसी का बर्थडे है, तो आप सब प्लीज़ उनको विश कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आज किनका बर्थडे है। आज है रिया का बर्थडे और उनका आईडी है क्वीन शर्मा करके। तो रिया, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। अर्पित अभी हैप्पी बर्थडे बोलेगा ना रिया मासी को? बोलो बोलो। अरे देखिए बलून लेके आया, बोलो बोलो। हैं बर्थडे हो जानो, ओ आपका हैप्पी बर्थडे है, इसीलिए देखो अर्पित ने बैलून लेके आया है। और आज का आज आपका बर्थडे है, आज 15 तारीख है, आज आपका बर्थडे है। लेकिन आज ये वाला ब्लॉग जो है वो आज नहीं जाएगा, कल जाएगा। लेकिन विश तो हम लोग आज ही कर रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है और अभी बज रहा है शाम का 5 या फिर 5:30 हो गया होगा, क्योंकि मैंने आधा खाना जो है बना लिया है और एक रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो वो रेसिपी अभी शेयर करूँगी और वो ही सिर्फ बनाना बाकी है। तो अभी 5:30 बज गया होगा, तो इस टाइम रिया के घर में शायद पार्टी हो रहा होगा ना। अर्पित बोलो बोलो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डियर रिया मासी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदा आपको ढेर सारा प्यार, आप हमेशा खुश रहिए, यही हमारा भगवान से प्रे है। और आज अर्पित के मुंह से ही मैंने आपको इस करवाया, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और रिया, खास तौर से रिया को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों में से और भी किसी का बर्थडे आ रहा होगा या फिर एनिवर्सरी आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं विश करूँगी आपको। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी जो है मेरा डिनर का खाना वाना आधा बन चुका है और आधा बाकी है, मतलब चावल बाकी है। और मैं आज बनाऊँगी कच्चे केले के कोफ्ते, तो वही रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और मैंने अभी बनाया है दाल और पपीता फ्राई, बस इतना ही बनाया है खाना। और अभी सिर्फ एक केले के कोफ्ते बनाना है और चावल बनाना है। तो चावल अभी नहीं बनाऊंगी, चावल रात में बनाऊंगी खाने के टाइम पे, गर्मा गर्म अच्छा लगता है। और अर्पित क्या खाएगा? अर्पित को कोफ्ते नहीं पसंद, तो अर्पित दाल और पपीता खाएगा। पपीता माने पेपे, पपाया। तो चलिए अभी बहुत गर्मी लग रही है किचन में, बहुत ज्यादा गर्मी। और खाना बनाते बनाते ना मैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, देखिए। अर्पित अभी खेलेगा। तो ये बलून देखिए, हवा एकदम कम हो गया है, फिर भी मैंने अर्पित को बोला ये बलून परसों, हाँ परसों अर्पित के पापा ने फुला के दिए थे अर्पित को, और अभी ये हो गया है। और अर्पित को मैंने जैसे ही बोला कि आज ना एक मासी का बर्थडे है, आपको विश करना है, आप विश करोगे, तो ये बलून लेके आ गया और बोलने लगा कि बर्थडे है तो ये बलून को तो दिखाना पड़ेगा ना। अजन अर्पित बैलून नहीं चले कार बर्थडे आज के माछी, अले ले ले माछी का बर्थडे है आज रिया मासी। चाकू जाओ तुम एक बार खेला करो, मेरा आनाटा करे नी जाओ। तो अभी मैं ये देखिए, तो ये देखिए मैंने ना पपीता फ्राई किया है और ये थोड़ा सा आलू फ्राई किया हुआ है। मैं रोटी के साथ खाई थी दोपहर में, तो वही है। और यहाँ पर दाल है, अभी बना लूंगी मैं केले और आलू। एक आलू है, दो केला है
और इसको मैंने छील के बॉईल कर लिया है। अभी इसका कोफ्ता बनाऊंगी। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं बस वही शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो घंटी का बटन आएगा उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल होता है वो प्रेस कर देंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और सबसे पहले वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें अभी नहीं करूँगी क्योंकि खाना भी बनाना है, तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट। जो केला और आलू मैंने बॉयल करके रखा था उसमें मैंने डाला है बेसन करीब 2 चम्मच जैसा, और फिर मैंने डाला है 1 मीडियम साइज का प्याज बारीकी से कटा हुआ, और फिर डाला है थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आपका जितना केला और आलू होगा उस हिसाब से डालिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने डाला है अभी गरम मसाला पाउडर, अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बस थोड़ा सा नमक और कुछ नहीं। और ये देखिए हाँ नमक डाला है, और अभी मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच। इस चम्मच से मैंने आधा चम्मच जितना डाला है, और अभी सभी को मैं एक साथ मैश कर लूँगी। आप लोग चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि अगर कोफ्ता बनाऊँगी ना, अगर अर्पित खाने के लिए जिद करने लगेगा तो एक मैं उसके लिए निकालूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर लाल मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। तो इसको अभी हाथ की मदद से मैंने मैश कर लिया है, अच्छे से मिला लिया है। अभी हाथ को धो के फिर मैं इसको कोफ्ते के जैसे मैं बना लूँगी। हाथ में अगर चिपके तो आप लोग थोड़ा सा तेल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है हाथ पे, और अभी गोल गोल लड्डू जैसे बना लूँगी। तो इस तरह से आप लोग जितना बड़े या छोटे जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। कोफ्ता तो सभी को बनाना आता है कि कैसे बनाना है, तो इस तरह से बना लीजिए। मैंने देखिए गोल गोल करके बना लिया है, और सभी को इस तरह से अभी बना लेती हूँ। ये देखिए सभी कोफ्ते बन गया है, और मैंने गैस को जला दिया है तो कढ़ाई गर्म हो रहा है। इस टाइम मैं जो भी मुझे चाहिए वो सब मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है, मैं सरसों के तेल से ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि रिफाइंड ऑयल ना ख़त्म हो गया है, तो अभी तक लाए नहीं है मेरे हस्बैंड ने। और ये देखिए तेल गरम हो गया है, तेल को अच्छे से गरम कर लेना है नहीं तो कोफ्ते जो है अंदर चिपक जाएगा। तो तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, अभी हल्के हाथों से मैं इसको पलट दूँगी एक बार, और इस तरह से मीडियम करके, गैस को मीडियम करके अच्छे से कोफ्ते को सेंक लेती हूँ। तो अच्छे से अगर गोल्डन ब्राउन करके सीखेंगे ना और मीडियम करके गैस को, तो बहुत अच्छे से कोफ्ते बनते हैं। अगर गैस को ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो एकदम से ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा और अंदर से ना एकदम कच्चा रहेगा और टेस्टी नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैंने कोफ्ते को फ्राई कर लिया है, और इस तरह से बाकी का भी मैं फ्राई कर लूँगी। 3 मैंने निकाल लिया है, और ये बाकी मैं 3-3 करके ही डाल रही हूँ क्योंकि तेल उतना ज़्यादा है नहीं। तो अभी देखिए सभी कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो तेल है उसको मैंने निकाल के रख लिया है। और अभी मैं तेल में डाल देती हूँ जीरा, थोड़ा सा साबुत जीरा, जीरा अच्छे से चटक गया है। उसके बाद आधा प्याज डाला है यहाँ पर मैंने, एक भी नहीं है क्योंकि प्याज ज़्यादा बड़ा था, तो आधा प्याज, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से डाला है करीब 1 चम्मच जैसा बेसन। अभी तेल के साथ मैं बेसन को अच्छे से भून लूँगी, और बेसन डालने के यही रीज़न है कि आपको ज़्यादा मसाले डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको जितना मसाला कम हो उतना भी डाल सकते हो, और बेसन से अच्छे से ग्रेवी बन जाएगा।
ये देखिए मैंने अभी डाल दिया है यहाँ पर हल्दी पाउडर, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो भी अभी मसाला डालना है सब एक एक करके मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए डाल दिया है मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो बेसन है और हल्दी है वो जल ना जाए। तो अच्छे से उसको मैंने भून लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा पानी, और अभी सूखे मसाले जो भी है वो सब मुझे डालना है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने डाला है जीरा पाउडर, आप लोग जितना मसाला पसंद करते हो उस हिसाब से डालिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और फिर मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला पाउडर, हम लोग ना ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और अभी मैं डाल देती हूँ यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, और फिर डालूँगी नमक, और अभी सभी मसाले को मैं एक साथ मिला लेती हूँ एक बार। और फिर इसमें और भी कुछ डालना है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग बस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोग हो सकता है आप अलग तरीके से बनाते हो और भी कुछ मसाला एक्स्ट्रा डालते हो, लेकिन इस तरह से एक बार बनाइए, सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर डाला है टमाटर का सॉस, मसाला अच्छे से पक जाए उसके बाद ही डालना है टमाटर का सॉस, और सॉस डालने के बाद और भी 2 मिनट चलाना है कढ़ाई में मसाले को, सबको एक साथ मैंने यहाँ पर मसाले को पका लिया है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और कोफ्ते उतने ज़्यादा है नहीं मेरा, तो इतना मैंने पानी डाला आप लोग देख सकते हो, और कोफ्ते में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए क्योंकि कोफ्ते जो है बहुत सारा पानी सोख लेता है और एकदम टाइट सा बन जाता है, सूखे सूखे सा बन जाता है। तो पानी जब आप निकाले सब्जी को तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना चाहिए। अभी देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ कोफ्ते। कोफ्ते जब फ्राई करती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन अभी है नहीं वो, तो सभी कोफ्ते मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और एक कोफ्ते मैंने रख दिया है अर्पित के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोग इस तरह से घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी लगता है खाने में। तो कोफ्ते ये बन गया है और सारा खाना मेरा बन गया। देखिए यहाँ पर दाल है जो मैंने पहले ही बना लिया है, अरहर का दाल है, और ये है पपीता को फ्राई किया है। तो आप लोगों को कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और घर में इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आप अलग तरीके से बनाते हो लेकिन एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, सच में बहुत टेस्टी होता है खाने में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए अभी मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि अर्पित को अभी मुझे पढ़ाने के लिए बिठाना है, और चावल मैं अभी नहीं बनाऊँगी, चावल रात में बनाऊँगी, मतलब थोड़ी आधा एक घंटा बाद अर्पित के पापा आ जाएंगे, उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी। चावल पकने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसीलिए मैं गर्मा गर्म ही चावल पकाती हूँ। खाना तो सभी बन गया है, सब्जी जो भी बनाना है सब कुछ बन गया है, अभी मैं अर्पित को टाइम दूँगी, अर्पित को भी पढ़ाना है, और पता नहीं अंदर के रूम का क्या हाल हुआ होगा उसको भी मुझे समेटना है अभी। तो चलिए चलती हूँ अंदर। मुझे लगा था कि अर्पित ने पूरा घर गंदा करके रखा होगा, तो क्या किया अर्पित ने, ये देखिए ये टॉब है, प्लास्टिक का जो टॉब मिलता है ना, तो वो टॉब है, और ये मैं जब खरीदी थी तभी से अर्पित का हो गया है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं काम के लिए लेती हूँ लेकिन अर्पित का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जितना खिलौना बिखेर के रखा था इधर उधर सब समेट दिया मैंने। अभी अभी आप लोगों को बोला ना कि अर्पित ने पता नहीं अंदर के रूम का क्या किया है, तो अभी वो सुन लिया था अर्पित ने, और देखिए सबको समेट के यहाँ पर भर के रख दिया, इसी में भर के रखता है वो। तो देखिए सभी सामान है अर्पित का यहाँ पर भर के रख दिया है, तो आधा काम अर्पित ने कर दिया मेरा, और बेड को बस थोड़ा सा सही करना है। बेड को देखिए क्या किया है तो वो जितना कर सकता है वो उसने किया है,
তুমি গুড বয় না ব্যাড বয় গুড বয় গুড বয় আচ্ছা অর্পিত গুড বয় হে মা গাইস কি কইছি এটা দাম বলতে ফ্যানটা জাম হয়ে গেছে না ফ্যানটা আমাদের ভালো চলে না ফ্যানটা একটু নোংরা হয়ে গেছে হ্যাঁ বাবু কাজ করবে বাবা কাজ করবে চলো এবার অল্প কি করবে पोड़ा करवे अर्पित बहुत गुड बॉय है अर्पित आ चुंगदा आ अरे ना ना आ मुआ की मिट्टी माँ घोड़ी तो बाबा किने थे हाँ घोड़ी तो बाबा किने थे अब तुम पोड़ते बसो हेलो बोलो हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग अभी अर्पित अभी अर्पित अर्पित भी अर्पित बोल रहा है बोले एकोन आमी पोड़ा करबो पोड़ा ना करले के बके तुम्हाके माँ बके चलो पोड़ा करबो हमरा चलो पेंसिले আমি লিখবো তুমি বলবে কি ঠিক আছে আচ্ছা এ লেখো তুমি তো পারো লিখতে এ লেখো 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 মামা নে চান মামা আসি এবার ডি লেখো ডিটা পারো লিখতে ভালো ডিটা এবার তুমি উল্টো দিক থেকে সবসময় দাগ দাও কেন লেখাটা ঠিক হয়েছে উল্টো দিক থেকে এইভাবে দিতে নেই দাগ একটা দাগ দেবে তারপর এরকম ভালো করে দাও হ্যাঁ এবার এরকম দাগ দাও ভালো করে উপর দিক থেকে নিচের দিকে গুড 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 এবার ই লেখো এখানে ই গুড গুড এবার এখানে এফ লেখো এফ এফটার একটা দাগ বড় একটা দাগ ছোট